हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो पहले एक वीडियो भेजी है उसमें तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाया है। ग्राफ के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब तुम्हें एक एग्जांपल देकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनाना है। देखिए, ये उसमें मैंने A1, A2, B1, B2 से सारा बता दिया था। रिलेशन पता चल जाता है ग्राफ बनता कैसे है। अब आपको दो एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको ग्राफ दिखाया। यह है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस वाई फोर। पहले हमने ये इक्वेशन ली, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब इधर टेबल बना लिया, एक्स वाई और एक्स वाई आ जाएगा। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स लेकर, एक्स हमने जैसे ज़ीरो ले लिया, टू ले लिया, फोर ले लिया। एक्स ज़ीरो लेंगे तो वाई क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। देखो सब्सिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, द इक्वेशन वी गेट यहाँ सॉल्व हो रहा है आपके सामने, ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, वाई इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ वाई हम सिक्स लिख देंगे, ठीक है। अब x 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, दैट वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम y की वैल्यू क्या लगाएंगे, 4। इसी तरह से x इज इक्वल टू 4 लिया तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो y इज इक्वल टू सिक्स माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2। अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ क्या लिखेंगे, 0, 6, 2, 4, 4, 2। ये इस इक्वेशन का टेबल बन गया। अब हम लेंगे दूसरी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसका ऐसे ही टेबल बनाएंगे, ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ, कोई नई चीज़ नहीं है। x की वैल्यू लो, अब y की भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की लोगे तो x की निकलती आएगी, x की लेंगे तो y की निकलती आएगी। अब x की जगह हमने 1 लगाया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई, 4 में से 1 गए 3, तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3। अब x 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये 2 हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 3। अब 3 पुट कर रहे हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1। अब इसका ग्राफ बनाना है आपने। अब आपके पास ग्राफ होता है, ग्राफ पर कैसे बनाते हैं ये देखिए। इसमें हम ये लेंगे, x एक्सिस है ये, इधर ये y एक्सिस है, y स्केल ऑन बोथ 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ये आपको पता ही है। ये देखो, ये यहाँ से ये 1, ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये 0, 6, x 0 है, y 6 यहाँ आ जाएगा, x 2, 4, ये x 2, y 4 ये रहा, x 4, y 2 ये रहा। अब स्केल के साथ इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, एक बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसका 1 माइनस 3, ये 1 माइनस 3, और ऐसे ही 2 माइनस 2 यहाँ आएगा, और 3 माइनस 1 इधर आएगा। अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। अब इसमें एक चीज़ बताऊंगी, इसमें अगर आपको सॉल्व करना चाहिए, आपका ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 की ये लाइन बन गई, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 की ये लाइन बन गई। अगर इसमें आपको आ जाए सॉल्यूशन, सॉल्व कीजिए, x ध्यान से समझना, ये इसीलिए मैंने ये ग्राफ बनाया ताकि तुम्हें पॉइंट्स बता सकूँ। कल ये एक्टिविटी के फॉर्म में आपको दो ग्राफ दिए जाएंगे और आपने बनाकर भेजने हैं। अब ये देखिए क्या कहा गया, इसको मैं कहा जाए कि x की वैल्यू क्या है, ये क्रॉसिंग पॉइंट, देखो कर्सर कहाँ पर है, क्रॉसिंग पॉइंट पर। इस पॉइंट को नीचे ले आओ, ये x 5 पर, यानी कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 5, और यहाँ से इधर ले जाओ y वाले एक्सिस पर, तो y 1, यानी कि x 5 y 1, 5 प्लस 1 6 आ रहा ना, 5 माइनस 1 4 आ रहा है। तो ये क्लियर हो रहा है, जहाँ इंटरसेक्टिंग है उसको ले आओ नीचे x वाले पॉइंट पर, x की वैल्यू आ जाती है और ये वन आ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें कई बार कहा जाता है कि उस x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जो पोर्शन बना उसको शेडेड कर दो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके साथ ये पोर्शन ऐसे बन रहा है, इसको शेड कर दो, तो शेड कर देना है। ये आपने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया, x की वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगी, 5, ये देखो मुझे बताया जा रहा है, ये देखो ये 5, ये 1 जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो इसमें 5 और 1, x की वैल्यू क्या आई, 5, और y की वैल्यू 1,
ये हमारे लिए देखो ये निकला आंसर, ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है। मैंने बताया दो मेथड है ग्राफिकली और अलजेब्रिकली, तो हमने इसको ग्राफ से सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब इसमें भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे और x या y की वैल्यू लेते रहेंगे, और x की लेंगे तो y की निकल के आएगी, y की लेंगे तो x से निकल कर आएगी। अब बिल्कुल वही मेथड करना, x ज़ीरो लगाया, ये ज़ीरो लगा दो तो y क्या आ जाएगा, माइनस टू, वाई माइनस टू पुट हियर, एंड एक्स वन, थ्री माइनस वाई टू, वाई क्या आ जाएगा टू माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल, वाई वन आ गया पुट हियर, देन एक्स इज इक्वल टू टू, टू थ्री दा सिक्स, सिक्स माइनस वाई टू, वाई टू माइनस फोर, माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू पुट हियर, ज़ीरो माइनस टू, वन वन टू फोर, डन। टेक सेकेंड इक्वेशन, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, ड्रा द टेबल, एक्स वाई, एक्स वन टू, ये आपकी मर्जी के पॉइंट है, मर्जी से जो मर्जी ले सकते हो आप। एक्स वन लिया तो टू माइनस वाई, वाई क्या आ जाएगा माइनस वन, पुट हियर माइनस वन, टू लिया तो टू टू द फोर, माइनस वाई थ्री, माइनस वाई थ्री माइनस फोर, माइनस कैंसिल, वाई इज़ इक्वल टू वन पुट हियर, देन थ्री, थ्री टू सिक्स, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, माइनस कैंसिल, वाई थ्री पुट हियर, वन माइनस वन टू वन थ्री। अब इसको ग्राफ पे बनाना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बनाया है, ऐसे ही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर वैसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ज़ीरो माइनस टू, एक्स ज़ीरो तो वाई वाले पर, ये माइनस टू ये यहाँ आएगा, फिर वन वन ये आ गया, टू और फोर ये, अब इसको मिला लगे दूसरा, वन माइनस वन ये वन, और ये माइनस वन यहाँ आएगा दूसरी क्वेश्चन का, और टू वन ये टू और ये वन यहाँ आएगा, थ्री और ये थ्री आएगा, अब इसको आपने मिला दिया। ठीक है, तो ये आपके दो ग्राफ बताए हैं मैंने आपको। इसी तरह से आपने एक्सरसाइज 3.2 के फोर्थ और सेवन्थ क्वेश्चन आपने बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी तरह से इनको आपने समझना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।